दोस्तों, ये SS4 का ECM है और ये है हमारा 55 K1 का H1। और मेन जो ECM के अंदर जो पार्ट नंबर होता है वो यहाँ से ये देखा जाता है 055 के। अगर ये पार्ट नंबर किसी और ECM में है तो इसकी जो है डेटा और हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर सेम ही होगा तो डेटा हम चेंज करके कोई भी कर सकते हैं। यहीं पे होता है 68 के, 75 के, 83 के, 85 के, जो भी है, ठीक है। तो अब जो है H1 का है, SS4 का प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि पंखा जो है वो डायरेक्ट चल रहा है, तो कस्टमर ने बोला है कि इसे में फॉल्ट है, तो हम इसको जो है चेक करते हैं। पहले हम इसको खोलते हैं, दोस्तों खोलते हैं। वैसे तो खुला हुआ ही था लेकिन फिर भी जो है एक बार उसको फिट कर दिया था कस्टमर को देने के लिए, लेकिन कस्टमर थोड़ा लेट हो गया ले जाने में क्योंकि ये थोड़ा दूर से आया हुआ था। इसको रखना था बस में जो नहीं रख पाए, तो मैंने कहा चलो अब एक बार इस पर वीडियो भी बना के देख लेते हैं ताकि किसी को नॉलेज मिल जाए। कस्टमर का कहना है कि इसमें जो है पंखा डायरेक्ट चल रहा है। पेन आउट के हिसाब से जो इसकी रेडिएटर फैन की जो पिन है, पेन आउट है, वो यहाँ से ये एक नंबर, ठीक है ना, 2 3 4 5 6 7 8, और ये है 9 नंबर, 9 10 11 12 13 14 15 और 16 नंबर जो है हमारी रेडिएटर फैन की है। मेन जो है इसके अंदर SS4 में 15 नंबर ही है, तो हमने ये 15 नंबर पर पहले निशान लगा रखा है मैंने ट्रेसिंग करके। फिर भी आपको इसकी पिन आउट को चेक करा देता हूँ मैं, 9 10 11 12 13 14 15, और ये मैंने 16 पे एक लगा ली ताकि इसका ये देख लें कि हमारी पिन तो जो है शॉर्ट नहीं है। ये हमारी, मैंने ये 15 नंबर की पिन पे जो है ग्राउंड लिया और ये यहाँ पे ये
कंटिन्यूटी आ रही है। अब हम मैं इसको 16 नंबर पर चेक कर लेता हूँ, और ये 16 नंबर की है, ये कंटिन्यूटी है। मेन जो हमारा जो इसमें जो ग्राउंड है इसमें 15 नंबर पर है, लेकिन 16 नंबर पर भी जैसे किसी का फैन वन फैन टू, तो फैन वन जो है ये 15 नंबर पर है, फैन टू जो है ये 16 नंबर पर है। अब जो है इसकी जो है आईसी से जो है जो मेन इसकी जो आईसी है ये वाली आईसी है, जिसके अंदर जो है पंखे की जो है का जो है ग्राउंड निकलता है, इसके जो है इस पिन से जो है इस मतलब हमारे जो ये पिन है और इस आईसी तक कोई भी जो है मतलब रेजिस्टेंस या कोई जो है कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, जिससे हम ये बोल लें या नेटवर्क आईसी कि हमारी उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ से जो है सिग्नल जो है हमारा कम हो रहा हो, जिसकी वजह से हमारा पंखा ना चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा डायरेक्ट इसके पिन से निकल करके सीधा हमारे जो है इस आईसी के पिन पर जो है से ग्राउंड निकलती है। तो अभी हमारी जो है हमारी ये इधर से ये 15 नंबर है, इधर से आप देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 नंबर में लगा रखा है, और ये मैं इसको 15 नंबर पर ही अपने एक प्रॉप को जो है जोड़ता हूँ। और ये हमारे यहाँ पे डी बोल रही है, अब हम इसको पलटते हैं और हम सीधे जो है इसकी पिन को ढूंढते हैं। यहाँ से देखते हैं एक नंबर से, ये 20 नंबर तक कहीं ग्राउंडिंग नहीं आ रही, उसके बाद हम ये 21 नंबर 22 नंबर, ये हमारे 22 नंबर पर जो है ये पिन बोल रही है, यानी कि हमारी जो हमारी पिन है और हमारी इस सप्लाई ईसीएम की जो है पिन है यहाँ तक जो है हमारे कहीं से जो है ट्रैक ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो हमारा एक तो जो है फॉल्ट क्लियर होगा कि यहाँ से जो है सप्लाई निकल रही है हमारे जो है पिन पर, इसके पिन पर ये जो पिन है। अब जो है हमें ये चेक करना है कि यहाँ से तो ग्राउंड निकल रहा है भी बोल रहा है, अब हमारी ये आईसी ठीक है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम कैसे करना है चेक ये मैं आपको बताता हूँ। किसी भी आईसी को चेक करने के लिए सबसे पहले ग्राउंड पे ले जाओ और उसके बाद उस पिन को जो है ये हमारी जो 22 नंबर की पिन थी 21 और ये 22 नंबर पर देखो ये क्वांटिटी आ रही है ना 435। अगर हमारी ये आईसी की सर्किट में अगर प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे रीडिंग नहीं आती, यहाँ पे मतलब जो है शॉर्ट बताता, मतलब क्यों बीप भी नहीं बताता और ना हमारे यहाँ पे रीडिंग आती, मतलब यहाँ पे रीडिंग आ रही है इसका मतलब हमारी इस आईसी से जो है सिग्नल निकल रहा है, ठीक है। अब फिर जैसे हम सिग्नल बोल लें या अगर यहाँ से पावर सप्लाई होती तो यहाँ पर वोल्टेज आती, क्योंकि हम अगर ग्राउंड चेक करना है तो हमने जो है बिना पावर दिए हुए ही इसके सर्किट को चेक किया, तो ये सर्किट के अंदर जो ये वोल्टेज दिखा रहा है मतलब दिखा रहा है इसका मतलब ये सर्किट सही है। इसी तरह हम जो है 23 नंबर की पिन देख लेते हैं 22 और 23 नंबर पर भी ये सेम जो है रीडिंग दिखा रहा है, यानी हमारी ये 15 नंबर और 16 नंबर पिन दोनों पे जो है आईसी से ग्राउंड निकल रहा है, ठीक है। और ये ग्राउंड हमारा सीधा हमारी इन जो है पिनों पर आ रहा है, तो हमारी ये आईसी ठीक है। अब जो है कस्टमर बोल रहा था कि इसके अंदर जो है हमारा पंखा नहीं चल रहा, इसका मतलब जो है या तो उनके टेम्परेचर सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ़ैन नहीं चल रहा है, या उनकी जो है गाड़ी ओवरहीट हो रही है जिसकी वजह से जो है पंखा ये हमारा आईसी जो है उसको जो है ये सेंस कर रही है कि गाड़ी जो है ओवरहीट है जिसकी वजह से बार बार पंखा चल रहा है। तो ये छोटा सा फॉल्ट था, तो मैंने कहा आपको चेक करा दें, क्योंकि ये ग्राउंड ही है तो हमें इसमें वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेन आईसी है और
बाकी यहाँ से एक बार इसकी प्रोसेसर आईसी में भी देख लेते हैं कि हमारे प्रोसेसर में भी इसकी जो है ग्राउंडिंग है कि नहीं है। अभी तो कोई बीप नहीं बोल रही है। एक बार हम यहाँ से 22 नंबर की पिन यहाँ पर रख करके देख लेते हैं। मतलब इसको हमें प्रोसेसर से भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये आईसी जो है इसको रेगुलेट कर रही है। ये हमारे 22 नंबर की पिन और हमारे जो है ये पिन, इस जो है सॉकेट की पिन, ये 15 नंबर से है। यहाँ 15 नंबर है, ये 15 नंबर, और ये हमारी 22 नंबर है। ये आईसी हमारी 4048 की, ये हमारी कूलेंट टेम्परेचर की। तो हमारा फॉल्ट जो है मेन यही चेक करना था कि आईसी से हमारी जो है सप्लाई निकल रही है कि नहीं। तो हमारी ये सप्लाई निकल रही है, यानी कि हमारी इस आईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है कूलेंट फैन का जो है कुछ समझ में आया होगा। जितना मुझे समझाने की कोशिश की है मैंने। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, मैं इसको जो है स्कैन करके भी देख लेते हैं कि ये स्कैन करके क्या कोड बता रहा है।